learn phonic sound. Okay, phonic sound आज हम पढ़ेंगे English letters को हिंदी में कैसे pronunciation किया जाता है, उसको उसकी sound क्या होती है, कैसे उसको पढ़ते हैं. तो चलिए आज हम वो सीखते हैं. So let's start. A, A for apple, A. B for ball, B. C for cat, C. D for duck, D. E for elephant, E. F for fish, F. G for grapes, G. H for hen, H. I for igloo, E. J for jug, J. K for kite, K. L for lamp, L. M for mango, M. N for net, N. O for orange, O. P for pen, P. Q for queen, Q. R for rat, R. S for sun, S. T for tree, T. U for umbrella, A. V for vase, V. W for watch, V. X for Xmas tree, X. Kus. Y for yacht, Y. Z for zip, Z. अब बच्चों हम इसके साथ करते हैं नेक्स्ट पार्ट. तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. अब हम सीखते हैं फोनिक साउंड. सो लेट्स स्टार्ट. ए बे के डे ए फे गे हे ई जे के ले मे ने ओ पे क्वे रे से टे ए वे वॉक्स या जी ए बे के डे ए फे गे हे ई जे के ले मैंने ले मैंने ओ पे क्वे रे से टे ए वे वॉक्स या जी ए बे के डे ए फे गे हे ई जे के ले मे ने ओ पे क्वे रे से टे ए वे वॉक्स या जी ए बे के डे ए फे गे हे ई जे के ले मैंने ले मैंने ओ पे क्वे रे से टे ए वे वॉक्स या जी. चलिए स्टूडेंट्स, हमारी फोनिक साउंड की क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है. अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.